Hi dearies, welcome to Pratis Kitchen. तो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है एंड इट्स गोना बी डियर टू मी एज वेल एज फ्यू पीपल हु आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइव्स. सो बेसिकली दिस इज़ माई डोमेस्टिक हेल्प पद्मा, जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट एंड जेन्यूनली वेरी वेरी हम्बल लेडी. एंड ये उनके बेटे विनय जो 12 साल के हैं. सो बेसिकली उनका बर्थडे था एंड वी प्लान अ वेरी नाइस सरप्राइज बर्थडे पार्टी. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. थोड़ा शर्मा रही है तो ये बात बिल्कुल नहीं करेंगी. उनका बेटा बहुत खुश है, शर्मा रहा है स्टिल. सो विनय, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम ओल्ड आर यू? सो क्यूट. ही सेज ही हैज टर्न्ड 12 इयर्स ओल्ड. हाउ स्वीट. ओके सो विनय, दिस इज व्हाट आंटी हैज प्रिपेयर्ड फॉर यू एंड वी गोना मेक इट वेरी स्पेशल. सो जस्ट कम ओवर हियर. इकर्रा, कैन यू रीड व्हाट इज रिटन ऑन योर केक? What is written? You don't want to read? It's written, Mr. Winner. The other day, somebody called him Master and he was just kind of, you know, discussing with me. I'm not Master, I'm Mr. So I kind of made sure that I am mentioning Mr. Winner there. So chalo, let's cut the cake. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So God bless you with loads of happiness and wisdom, dear Vinay, and stay blessed always. I'm sorry, dearies, meri awaaz aaj bahut hi zyada kharab hai because I was down with fever, cold, flu, and slight body pains. Aaj thodi main theek hui hu, to I just thought iska birthday celebrate kiya hi hai, to main jaldi se download bhi kar deti hu. So I am so glad I managed to do everything on time. So then I just first started with making the cupcakes and cupcakes itne delicious bane. It's a pure veg cupcakes that I've uploaded last once in my video. So iske ingredients ki main aapko link apne description box mein de dungi. Please check it out and try making it. It's so quick. Meri auntie to bolti hai ki main isko coffee ke itna jaldi bana leti hu. Matlab hardly it takes 15-20 minutes for me. So it's that easy. Comes out super yum, super delectable and super soft. To ye mere cupcakes maine around say a batch of 2 banaye, around 12 of them. एंड विप क्रीम मैंने बना के रखा हुआ था, उसकी भी रेसिपी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी मैं आपको. इतना यमी बनता है ये चॉकलेट यू नो कप केक एंड दीज आर सो हैंडी एंड दीज आर सो स्मॉल बाइट्स टू यू नो काइंड ऑफ आई मीन रेलिश ऑन. आई रियली लव इट व्हेन इट्स फ्रेश बेक्ड. सो ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ट्राई करिएगा. मैं इसका जो यू नो रेसिपी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एंड नेक्स्ट रेसिपी जो है, यूजुअली मेरे पिज्ज़ा बेस की रेसिपी मैंने आपको ऑलरेडी दी है, लेकिन आज मैं आपको डिफरेंट शेप्स ऑफ पिज्ज़ा की रेसिपी बताने वाली हूँ यहाँ पे. तो ये जो डो की रेसिपी है उसकी भी रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. सो बेसिकली ये जो डो मेरा फर्मेंट हुआ था ऑलमोस्ट एक घंटे दो घंटे, इसको मैंने चार में डिवाइड कर लिया. चार के बाद एक चौथाई में से फिर से मैंने आधा लिया और उसका रोटी की तरह मैंने उसको बेल लिया. अब बेसिकली आप एक बोल या फिर एक प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जैक्टली इन द सेंटर जस्ट प्लेस इट एंड राइट फ्रॉम द कॉर्नर्स टिल द सेंटर ऑफ द प्लेट यू हैव टू जस्ट यू नो कट इट इंटू स्ट्रिप्स. तो ये हाफ इंच की दूरी पे हो सकता है. इट्स जस्ट द थिन रिबन्स दैट यू हैव टू कट एंड आफ्टर दिस इज व्हेन यू स्टार्ट ब्रेडिंग इट. तो ये ऑल्टरनेट ब्रेडिंग होता है. पहले आपने उठाया एक, सेकेंड को छोड़ दो, थर्ड, फोर्थ को छोड़ दीजिए, फिफ्थ, देन सिक्स एंड सो ऑन. सो बेसिकली जब आप फर्स्ट उठाएंगे और रखेंगे, सेकेंड को छोड़ देंगे, थर्ड को जब उठाएंगे तो वापस सेकेंड को
उठाएंगे, फिर थर्ड को छोड़कर फोर्थ को उठाएंगे, देन यू नो लाइकवाइज यू विल जस्ट गो ऑन. सो बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इट्स जस्ट ऑल्टरनेटिंग द स्ट्रिप्स इनवर्ड्स एंड यू जस्ट हैव टू नॉट वरी अबाउट यू नो दीज ओपनिंग अप एंड ऑल, इट डजंट ओपन अप. एंड यहाँ पे एक टिप मैं ज़रूर दूंगी कि मेरे बच्चों को यूजुअली इनको क्रिस्पी क्रस्ट बहुत पसंद है, तो मैंने इसलिए पहले इसमें पिज्ज़ा सॉस अप्लाई नहीं किया था बिफोर मेकिंग दिस यू नो ब्यूटिफुल ब्रेडिंग ऑफ द आउटर लेयर. पर अगर आप चाहते हैं तो पहले जैसे आपने चपाती रोल किया उसके ऊपर आप ऑलरेडी मतलब आप कट कर रहे हैं या कट करने के पहले ही आप ये सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस सॉस का के रेसिपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी. दिस इज़ कम्प्लीटली होम मेड एंड सो डिलिशियस एंड एनी थिंग फ्रेश एंड होम मेड इज़ यम. तो इसमें आप स्टफिंग के लिए कोई भी वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियंस तो नॉन वेजिटेरियन का भी. तो बेसिकली मैं कह रही थी कि आप ये जो ब्रेडिंग करना शुरू करते हैं उसके पहले ही आप अपने सॉस को स्प्रेड कर लें, फिर काट लें एंड थिन स्ट्रिप्स में, उसके बाद स्टार्ट ब्रेडिंग. सो दैट व्हाट हैपेंस, योर ब्रेड्स आल्सो विल हैव सम फ्लेवर टू इट, यू मे इवन ऐड अ बिट ऑफ चीज टू इट, सो दैट कम्स आउट रियली ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ बीच में अपनी टॉपिंग डाली है, तो यहाँ मैंने मिक्स वेजिटेबल्स कैप्सिकम कॉर्न टोमेटो अनियन एंड देन सम मशरूम्स यू नो को ऐड किया है एंड देन ऑफ कोर्स मोज़रेला चीज़. आप चाहो तो इसमें जैसे मैंने कहा नॉन वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीपल हु लव नॉन वेजिटेरियन एंड जो भी वेजीज आपको पसंद है आप उसका इस्तेमाल करें. यहाँ मैंने पनीर यूज़ किया है, इस पनीर को मैंने अपने पास्ता सॉस में थोड़ा सा यू नो उसको थोड़ा टॉस कर लिया और उसको मैंने स्प्रिंकल कर दिया और ऊपर से मोज़रेला चीज़ एंड लिटिल बिट ऑफ चिली फ्लेक्स एंड आप ऑरिगैनो भी कर सकते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऑलिव ऑयल को ब्रश कर रही हूँ सो दैट योर पिज़्ज़ा डजंट ड्राई आउट एंड आप चाहो तो एग योक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं विच गिव्स यू वेरी ब्यूटीफुल येलो कलर. अब नेक्स्ट हम बनाएंगे हमारे सनफ्लावर ब्रेड पिज़्ज़ा. नाउ दिस इज़ वेरी वेरी यूनिक, कम्स आउट सो सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल एंड एलिगेंट. आप चाहो तो इसको गार्लिक फ्लेवर में भी बना सकते हैं, आज मैं प्लेन फ्लेवर में बना रही हूँ. अगर आप गार्लिक फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तो आप इसमें वाइल नीडिंग द डो इटसेल्फ ऐड गार्लिक. या सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, आप एक दो चपाती के लोई की साइज की एक लोई ले लें, इसको आपने थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करना है. हाँ, क्योंकि हमें मोटा सा बनाना है पिज्ज़ा तो हम थोड़ा सा उसको हल्का सा प्रेस करेंगे. बीच में आप एक टम्बलर का इस्तेमाल करते हुए उसके नीचे के भाग से आप उसको प्रेस करेंगे. प्रेस करते हुए आपने आपको आपके इसकी साइड्स को काटनी है सेम वैसे ही जैसे हमने हमारे पहले वाले पिज़्ज़ा के लिए काटा था. तो काटने के बाद आप क्या करेंगे, वेरी सिंपल, जस्ट ट्राई टू पिंच द कॉर्नर्स एंड गिव इट अ लीफ शेप, फ्लावरी शेप. तो ये फ्लावर शेप आ गया, दैट्स अबाउट इट. बीच में हम करेंगे थोड़ी सी फिलिंग, आप चाहो तो चीज़ के साथ कर सकते हैं, आप चाहो तो यू नो व्हाट यू कॉल जस्ट सॉस जो पिज्ज़ा सॉस है उसका एंड यू नो और मे बी यू कैन जस्ट ऐड सम वेजीज व्हाटएवर यू लाइक. बट सिंस वी आर मेकिंग इट यू नो लुक लाइक अ फ्लावर, आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल. सो दिस इज़ गोइंग टू बी यू नो ड्रेस्ड अप with a little bit of sesame seeds and onion seeds and a little bit of pizza sauce. तो बीच में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पिज्ज़ा सॉस डाला है, इसके ऊपर से मैंने डाला है अनियन सीड्स. तो अनियन सीड्स ब्यूटिफुल लगते हैं, बिल्कुल वो सनफ्लावर लुक आ जाता है. थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल से इसे ग्रीस किया है ताकि ये जो सेसमी सीड है वो चिपक जाए इनके ऊपर. तो आप चाहो तो दूध और शक्कर के मिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एग योक का. तो आई एम मेकिंग अनदर वन. आपने ये लीफ शेप देने के बाद बीच में इसे स्लिप कट करना है ताकि इट गिव्स यू दैट ब्यूटिफुल सनफ्लावर लुक. इसमें मैंने यहाँ पे सेसमी सी अनियन सीड से पहले थोड़ा सा चीज़ इस्तेमाल किया इन द सेंटर. सो आई जस्ट मेड दीज यू नो टू टाइप्स ऑफ सनफ्लावर पिज्जाज. नाउ वी विल मेक कप पिज्जाज. बेसिकली मैंने सोचा कि मैं पिज्ज़ा बॉम्ब्स बनाऊंगी, बट देन वी हैड इनफ ऑफ पिज्ज़ा बॉम्ब्स एंड मोर ओवर विनय को शायद ये पिज्ज़ा कप ब्यूटीफुल लगे क्योंकि उसने कभी अपनी लाइफ में पिज्ज़ा खाया ही नहीं है. दैट्स व्हाट ही हैज टोल्ड एंड यू शुड हैव लुक्ड एट हिज एक्सप्रेशंस व्हेन ही वाज रिलिशिंग दीज पिज्जाज. इट वाज लाइक अ मिलियन डॉलर स्माइल ऑन हिज फेस एंड दैट हैप्पी चाइल्डिश यू नो व्हाट यू कॉल दैट लुक. आई really go emotional when I look at babies and small kids, you know, really enjoying something for the first time in their life and they really feel so grateful about it. Though they don't speak about it, but they do feel within. So well, मैंने यहाँ पे pizza cups के लिए छोटे छोटे लोई बनाया, उसको round सा काट लिया और फिर अपने जो pizza, you know, अपने cupcakes की tray है उसमें मैंने उसको you know, cups की shape में अच्छे से press करके उसको mold में डाल दिया. अब इसमें आप usual topping डालेंगे, पहले अपना pizza sauce डालेंगे आप, उसके ऊपर से मैंने यहाँ डाला है onion and then little bit of
टमेटोज, ऊपर से मैं डालूंगी कैप्सिकम, देन कॉर्न, मशरूम, पनीर, सेम थिंग, एंड देन चीज. तो आप एंड देन ऑफ कोर्स दी यू नो कॉल सीजनिंग, एंड सीजनिंग में आप अपने यू नो व्हाट यू कॉल चिली फ्लेक्स या फिर ऑरिगैनो एंड ऑल दीज थिंग्स आप डाल सकते हैं. तो मैंने वही सब यहाँ पे डाला है. तो आप टॉपिंग्स को पूरे ऊपर तक फिल कर लेंगे, उसके बाद हम इसको बेक कर लेंगे इन अ प्री हीटेड ओवन विच इज़ ऑफ अबाउट 180 डिग्री सी फॉर 20 मिनट्स. सो आई एम गोइंग टू बेक इट फॉर 20 गुड मिनट्स एंड इट्स रियली गोइंग टू कम आउट डिलिशियस. Ta-da! So these are my beautiful pizza cups and the rest of the yummies. So hope you all enjoyed watching the video series, and I'm so glad to have shared this wonderful celebration with you all. And this definitely is going to be the dearest celebration in our hearts forever in our lives, and hopefully we get to do it more often. Thank you for watching Prati's Kitchen.